खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ के डॉक्टर पारस जैन को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के बहुचर्चित मामले में टाउन पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल और 14 कारतूस सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और 1 नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए DSP हनुमानगढ़ रमेश माचरा ने बताया कि दोनों को ऋतिक बॉक्सर ने 10-10 लाख रुपए का लालच दिया था और पुलिस दोनों का रिमांड लेकर इनके अन्य साथियों बाबत भी पूछताछ करेगी। साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही कि इनको हथियार ऋतिक बॉक्सर ने दिया या बीच में और भी कोई कड़ी है। हनुमानगढ़ के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर फायरिंग मामले में भी ऋतिक बॉक्सर फरार हैं और इंद्र हिसारिया पर ही 2 साल पहले फिरौती के लिए धमकी देने के मामले में ऋतिक बॉक्सर को 5 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद वह जमानत पर फरार हो गया था। DSP के अनुसार ऋतिक बॉक्सर विदेश ना भाग सके और हाईकोर्ट से उनकी जमानत रद्द करवाने की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी है। को डॉक्टर पारस मल जैन है, उन्होंने पुलिस थाना टाउन पे एक मुकदमा दर्ज करवाया कि उन्हें 26 तारीख को ऋतिक बॉक्सर नाम के लड़के ने, जो स्वयं को ऋतिक बॉक्सर बता रहा था, उसने पैसों के लिए धमकी दी है, नहीं देने पर उनको जान से मारने की धमकी दी है। 3 लड़कों को कल राउंड अप किया था, जिसमें से 2 लड़के बालिग हैं, रहमान और बबलू, दूसरा है चंदन छिड़ाना, दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है और तीसरा लड़का है वो नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसका अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई तो उनके मोबाइल में डॉक्टर पारस जैन के घर व हॉस्पिटल के फोटोज व वीडियोज मिले और उनके पूछताछ के दौरान ये भी सामने आई है कि इन 3 लड़कों में से 2 लड़के जयपुर में जी क्लब की घटना हुई थी, उससे पहले ये जयपुर भी जाके आए थे और ये मोबाइल ऐप के जरिए ऋतिक बॉक्सर से संपर्क में भी है। उसने इनको ये बताया था कि मैं आपको टारगेट दूंगा, रेकी कर लो, उसके बाद में आपको 10-10 लाख रुपये फायरिंग करने के बाद में दूंगा। कल इनको 2 लड़कों को जो बालिग है उनको पेश करके उनका पीसी रिमांड हासिल करेंगे और इनकी विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। नहीं, डायरेक्ट लॉरेंस गैंग की तो नहीं है, लेकिन ऋतिक बॉक्सर का ही है कि वो लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है और वो इस बात का सोशल मीडिया पे क्लेम भी कर रहा है कि मैं लॉरेंस गैंग का हूँ। हाँ, पूर्व में जो हिसारिया इंद्र हिसारिया उन पर फायरिंग हुई थी, उसमें वो वांछित है अभी, और ऋतिक बॉक्सर पूर्व में CJM कोर्ट से 5 साल को सजा हुई थी, इस पर माननीय उच्च न्यायालय से वो अपील स्वीकार होने पे जमानत पे है, तो उसकी वो जमानत है वो भी कैंसिल करवाने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, ऋतिक बॉक्सर विदेश में भाग जाए या भागने की फिराक में हो तो पूर्व में इसके फिंगरप्रिंट वगैरह वो लिए गए थे, फोटो वो सब है हमारे पास, तो उनके आधार पे भी इसको इमिग्रेशन चौक पोस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट की जा रही है कि विदेश भागने की फिराक में हो तो इसको रोका जाए।